Cité. 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 नाराज हो क्या? हाँ, मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपने मुझे वचन दिया था कि आंखों से दूर नहीं करूँगा। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं सब बात जानती हूँ। आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगी, मगर इस बार आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी वन में विहार करने की। अवश्य अवश्य सीते। अभी के अभी लक्ष्मण को कहकर वन विहार की व्यवस्था कीजिए। हाँ? हाँ, मैंने आपकी बात पूर्ण कह दी। धन्यवाद के वन विहार के बाद ही मैं आपको आपके पिताजी के घर भेजूंगा। निकल बाहर, तू पापी है, कुलचा है, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल बाहर, दूसरे घर में रह के आई तुझे शर्म नहीं आई? अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। मैं राजा राम नहीं हूँ जो पर पुरुष के पास रह के आई और अपना लू। ऐसा मत बोलो भाई। अरे मैं नहीं बोलता हूँ, पूरा गाँव बोलता है, पर राजा राम को कहने कौन जाएगा? किंतु सीता सती है। पर सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी है। कौन देखने गया? सारा गांव जानता है कि सीता पापी है, कलंकित है, दोषी है। पिताजी, पितृओ, गुरुजनों, यह आपका राम निराधार निसहाय से आपके पास आए हैं। मुझे रास्ता दिखाइए। रघुकुल की कुलवधु कलंकित है। अग्नि परीक्षा में से पसार हुई रघुकुल की रानी दोषी है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। राजा का धर्म क्या है? कलंकित सीता को अयोध्या की राजगद्दी पे बैठने दूं कि उसका त्याग करूं? त्याग, सीता त्याग, त्याग, सीता त्याग, त्याग, सीता त्याग। राजा राम का यही धर्म है, राजा राम के लिए यही योग्य है। मैं सीता का त्याग करूंगा, मैं सीता का त्याग करूंगा। स्वामी नाथ, इतनी रात को कहां गए होंगे? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? राम भक्त जनक दुलारी, ऐसी माता को आप त्याग करना चाहते हैं भैया? हाँ भरत, अभी के अभी रथ निकालो और वन की तरफ प्रस्थान करो। नहीं बड़े भैया, नहीं। ये तुम्हारे बड़े भैया की आज्ञा है। अगर बड़े भैया का आज्ञा है तो मैं उनके चरण में गिरकर उनसे विनती करता हूँ, चाहिए तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, क्षमा कीजिए। भरत, भरत भैया, भरत भैया, इस समय आप कहाँ गए थे? भैया ने मुझे अंदर बुलाया था भाभी। उन्होंने? वो भी इतनी रात को? कुछ अघटित हुआ है क्या? जी आप ये उनसे ही पूछिए ना। पर जी हाँ,
महाराज, इतनी रात को, वो भी उस कमरे में। आ गए लक्ष्मण, तो सुनो, तुम? आप लक्ष्मण की राह देख रहे थे स्वामी? हाँ सीते। स्वामी, आपने पहले भरत को बुलाया, फिर अभी लक्ष्मण को, ऐसा आपको उनसे क्या काम पड़ा कि ऐसी रात को उन लोगों से मिलना पड़ रहा है? मैं जानती हूँ स्वामी, कोई अमंगल बात के कथन श्रवण से मेरे हृदय को दुख होगा, ऐसी शंका है, इसलिए आप खामोश हो। किंतु स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके हृदय के दुख सुख मुझे नहीं कहोगे तो किसे कहोगे? आप अगर नहीं कहोगे तो आपको मेरी। नहीं नहीं सीते, किसी भी प्रकार के बंधन से ना बांधिए सीते। तो क्या बात है, इतने चिंतित लग रहे हो। मैं आज नगर घूमने गया था, जहाँ एक धोबी अपनी पत्नी को हमेशा के लिए घर छोड़ने का आदेश दे रहा था। किस लिए प्रभु? वो मानता है कि उसकी पत्नी कलंकित है, दोषी थे। ओह, तो रयत के दुख से आप व्यतीत हो। आरी पुत्र, आप आदर्श राजा हो। किंतु सीते, तुम ही कहो, पति को क्या पत्नी का त्याग करना चाहिए? नहीं स्वामी, शक्य हो सकता है कि ये पति का वहम हो, और पति अगर उसे छोड़ दे तो उसके पास सिर्फ एक ही मार्ग हो, आत्महत्या। आत्महत्या? इसीलिए आपने लक्ष्मण को बुलाया है ना, धोबी को समझाने के लिए कि स्वपत्नी का त्याग न करे। धन्य हो स्वामी, आप धन्य हो, मेरा परम भाग्य कि आप जैसे पति मुझे मिले। चलो, आ रहे हो ना? लक्ष्मण को मिलके अभी आ रहा हूँ, आप जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। नहीं स्वामी, शक्य हो सकता है कि ये पति का वहम हो, और पति अगर उसे छोड़ दे तो उसके पास सिर्फ एक ही मार्ग हो, आत्महत्या। नहीं नहीं। लक्ष्मण भैया। कौन? भाभी, प्रणाम। आयुष्मान भव, अपने भाई से मिलने जा रहे हो ना? हाँ, वहाँ एक मित्र का बुलावा आया है, आपका ही इंतजार हो रहा है, अभी वो बहुत चिंतित है, आप उनका आदेश अवश्य मानना, उनके दिल का भार हल्का होगा। जी। रामचंद्र जी, व्यतीत, बड़े भैया। आ गया लक्ष्मण, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। भाभी ने कहा आप चिंतित हो, आप मुझे आदेश दीजिए। मेरा आदेश मानोगे? मेरे मानने से अगर आप चिंता मुक्त होते हैं तो मैं अवश्य मानूंगा। किंतु कार्य कठिन है। आपका आशीर्वाद रहा तो सब सरल हो जाएगा। एक बार आज्ञा देने के बाद पीछे हटने की ताकत मुझमें नहीं रहेगी। आप मुझे पहले ही वचनबद्ध कर देना चाहते हैं? हाँ लक्ष्मण, कार्य कठिन है किंतु यह आदेश ही है। तो फिर मैं वो वचन निभाऊंगा कि साक्षात मौत भी मुझे इस वचन से रोक न पाएगी। तो सुनो लक्ष्मण, सीता की यही इच्छा है कि वो वन में विहार करे, बोलो ले जाओगे? भैया, ये कार्य कठिन है। हाँ, जानकी को वन में विहार करने के लिए अवश्य ले जाना, किंतु वापस उसे इस महल में लाना नहीं है। ये क्या, रघुनंदन राम जनक दुलारी को त्याग करना चाहते हैं? हाँ लक्ष्मण। क्या ये जरूरी है? असुरों के अशोक वाटिका में बसी हुई सीता नगर जनों के अनुसार दोषी है। सीता माता, ये तो पवित्रता की मापदंड है, सतीत्व की सीमा रेखा है। मैं जानता हूँ। ये जानते हुए भी आप उनका त्याग करना चाहते हैं? हाँ, ये मेरा राज धर्म है। और पति का कोई धर्म नहीं? लक्ष्मण। नहीं भैया, जनक दुलारी पर अपवित्रता का दाग लगाने वाला धोबी, क्या जानते हैं आप वो कितना पवित्र है? बहुत ही विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है लक्ष्मण।
इस निर्णय को लेने से पहले क्या आपने एक बार भी माता सीता के बारे में विचार किया? बड़े भैया, मैं उन्हें कौन से मुंह से कहूं कि रामचंद्र जी आपको त्याग करना चाहते हैं? ये कठोर शब्द बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है भैया, कैसे बोलूं मैं? तुम्हारी व्यथा में समझता हूँ। आए प्राणनाथ, ये इतनी रात को आपको आर्य पुत्र ने क्यों बुलाया था? वो मुझे भाभी को वन में शहर कराने ले जाना है। वन में विहार कराने के लिए? हाँ हाँ, स्वयं भाभी की इच्छा है। हाश, महाराज ने आपको इतनी रात को बुलाया और मेरे मन में कैसे कैसे शंकाएं जाग उठी। कुछ अघटित अमंगल तो नहीं होने वाला ना? आप उन्हें अवश्य विहार पर ले जाइए। होने वाली माता की इच्छा पूर्ण करना ये तो पुण्य का काम है। मुझे आनंद होगा कि अगर मैं आपके पुण्य कार्य में सौभागी बनती। कभी ले जाओगे? कल प्रातःकाल। कल रात को तो मुझे लगा था कि आप भूल जाओगे। आपके सर पर राज्य कार्य का इतना बड़ा भार है, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप अद्भुत है आर्य पुत्र, अद्भुत है, किंतु आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? अरे वो तो मैं अपनी सीता को अपनी आंखों से दूर होते हुए नहीं अच्छा लगेगा ना, इसीलिए ना। हाँ सीते, तो रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु ये आज्ञा दी गई है। तो वापस ले लो। उसकी सारी व्यवस्था भी हो चुकी है। तो क्या हुआ? आप कैसे चिंतित रूप देखकर मेरा वन विहार का मन नहीं लगेगा? मैं जानता हूँ सीते, लेकिन विरह के बाद मिलन में ही आनंद होता है। जितना विरह लंबा उतना ही मिलन मीठा। जाके आओ सीते, जाके आओ। जैसी आपकी इच्छा, किंतु मुझे वचन दीजिए कि आप चिंतित नहीं रहोगे। ये मेरे हाथ की बात नहीं है सीते। आखिरी बार मुझे हंस के तो विदा करोगे ना, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हंस के विदा करो सीते। ओ नाथ, मैं दो चार दिन में ही वापस लौट आऊंगी वन विहार करके। हाँ। आप तो इस तरह से देख रहे हो आर्य पुत्र, जैसे आप मुझे फिर से मिलने वाले नहीं हो। और स्वामी, मेरे जाने के बाद आप इस तोते का ख्याल रखोगे। प्रातःकाल आपका नाम लेने वाले का पाप टलेगा और पुण्य मिलेगा, इतने आप प्रातः स्मरणीय हो। सीते, स्वामी, सीते। नाथ, सीते। नाथ, सीते।